बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। सो ओपन पेज नंबर 430 फ्रॉम योर बुक। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपकी जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं, जो भी डेटाबेस अपने अंदर डाटा सेव करता है वो किसी फाइल फॉर्मेट में सेव करता है। फॉर एग्जांपल जो एमएस एक्सेस है वो कौन सा फाइल फॉर्मेट फॉलो करता है, .mdb, ठीक है। और जो फाइल प्रो है ये भी एक डेटाबेस है, ये भी कोई फॉर्मेट यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं .dbf। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना स्पेसिफिकली डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। ट्रेडिशनली आर डेटाबेस एप्लीकेशन वाज डेवलप फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटाबेस, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो फुली ऑन डिपेंडेंट है जिस टाइप के डेटाबेस के हिसाब से आपने एप्लीकेशन को क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएस एक्सेस के लिए एप्लीकेशन क्रिएट की है तो वो एप्लीकेशन एमएस सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में या फॉक्स प्रो में नहीं चलेगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को पूरी एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था कि ये जो डिपेंडेंसी है ना दोनों के दरमियान में, इसको हम लोग अनचेंज, जो हमारी डेटाबेस है उसको अनचेंज रखें। तो उस तरह से वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। उस तरीके को हम लोग कहते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो डेटाबेस है हम लोग एक्सेस उसको कर सकते हैं अगर, या उसको चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन को चेंज किए बगैर हम डेटाबेस को चेंज कर दें, या फिर डेटाबेस को वही रहने दें और एप्लीकेशन को चेंज कर दें। इस तरह का मैकेनिज्म को हम लोग कह देंगे ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इट वाज पॉसिबल टू बिल्ड एप्लीकेशन डेटा एबल टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस, ठीक है, डिफरेंट डेटाबेसेस। तो इस तरह से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस बना दें जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक हो गया। और दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ एप्लीकेशन गिव कमांड इन अ पर्टिकुलर मैनर, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर मैनर फॉलो किया जाता है ताकि हम लोग डेटाबेस को कमांड दे सकें और वो कमांड अल्टीमेटली किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि DBMS उनको अंडरस्टैंड कर सके। द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद डिफरेंट डेटाबेस बाई यूजिंग डिफरेंट ट्रांसलेटर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड DBMS। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ट्रांसलेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह से हम लोग एप्लीकेशंस और डेटाबेस के दरमियान भी कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज़ करेंगे जो कि एप्लीकेशन से जो भी कमांड्स आएंगी उसको इस डेटाबेस की अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसको ODBC भी कहते हैं। O स्टैंड फॉर ओपन, DB स्टैंड फॉर डेटाबेस, C फॉर कनेक्टिविटी। इट यूजेज़ अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड द DBMS। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है ताकि हम लोग कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं बिटवीन DBMS और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारी हो जाएगी विजुअल बेसिक, ठीक है। विजुअल बेसिक की जो इंटरफेसेस हैं, फॉर्म्स वगैरह, वो सारे हमारे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और जो DBMS है उसमें, उसकी जगह पे हम लोग फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एमएस एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, SQL सर्वर यूज़ कर सकते हैं, जो सी भी डेटाबेस आप लोग यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये जो ODBC जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होती है एक API के ज़रिए। API सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो API मीन्स अ सेट ऑफ फंक्शन डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि ये सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं डेटाबेस के API की बात करूँ तो वो डेटाबेस की रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटाबेस APIs का यूज़ करेंगे। अच्छा, द एप्लीकेशन विल कॉल एन API फंक्शन टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर टास्क। जाहिर है जब भी उसने डेटाबेस एप्लीकेशन ने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसने API के फंक्शंस को यूज़ करना है, ठीक है, उनको कॉल करना है। और API जो उनसे है वो उन स्पेसिफिक कमांड्स को ट्रांसलेटर की तरफ पास करेगा, और ट्रांसलेटर क्या करेगा कि जो भी हम लोगों को DBMS से एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि DBMS उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और उन ट्रांसलेटर्स को हम लोग ODBC
ड्राइवर्स भी कहते हैं, ठीक है। ODB स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ड्राइवर्स साथ में लग गया ताकि ये स्पेसिफाई हमें बताता है कि ये ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो यही बात आ गई कि ODBC ड्राइवर्स एक्सेप्ट द कमांड फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड कन्वर्ट इट टू द फॉर्मेट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द DBMS। इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस में भी कि DBMS से जो एक्शन आता है यानी कि रिस्पांस आता है उस क्यूरी के बेस के ऊपर, उस कमांड के बेस के ऊपर, वो भी बैक एप्लीकेशन के अंदर वो पास कर देता है। अब हम नेक्स्ट बात कर देते हैं OLEDB। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग डेटाबेस, ठीक है। ODBC जो है वो एप्लीकेशन API डिफाइन करता है, लेकिन वो ऐसा कोई आपको सोर्स नहीं बताता है या फिर उस वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप लोग डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो कर सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OLEDB, ताकि हम लोग क्या कर सकें कि हम लोग डाइवर्स रिसोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। यानी कि डाइवर्स रिसोर्सेज से ये मुराद है कि मल्टीपल डेटाबेसिस के अंदर से हम लोग अपना डाटा को एक्सेस कर सकें। OLEDB डिफाइंस अ सेट ऑफ कॉम स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इंटरफेसेस डेट एनेबल यूनिफॉर्म एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन डाइवर्स डेटाबेस। यही बात आ गई कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉम, ठीक है। ऐसे इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप लोग यूनिफॉर्मली डिफरेंट डेटाबेसिस से डिफरेंट डाटा एक्सेस कर सको। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज़ ADO। ADO स्टैंड फॉर ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट। ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है ताकि आप इसको यूज़ करके डिफरेंट और मल्टीपल डेटाबेसिस को एक्सेस कर सकें। ये वर्क करता है OLEDB से, ठीक है। OLEDB ऑलरेडी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन और डाटा सोर्सेज के दरमियान में। अब दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सोर्स, लाइक यानी कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 14 में हम लोग डाटा कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। डाटा कंट्रोल में होता क्या है कि हम लोग एक ऐड कर लेते हैं आपने अब टूल बॉक्स के अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं कंट्रोल, ठीक है, जो कि डेटाबेस डाटा कंट्रोल का कंट्रोल होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। अब डाटा कंट्रोल जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम लोग डिफरेंट डेटाबेसिस से, डाइवर्स डेटाबेसिस से डाटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। और वो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर ही वर्क करता है। तो उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को कोई मोर पावरफुल और कह लें कि ज़्यादा पावरफुल डाटा कंट्रोल की ज़रूरत थी जो कि विजुअल बेसिक में हम लोग यूज़ कर सकें। तो उस कंट्रोल को हम लोग ADO कंट्रोल करते हैं। ADO इज़ एक्टिव बेस एंड इट कैन वर्क विद इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये एक्टिव बेस है, ठीक है, और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सिमल्टेनियसली वर्क कर सकता है। इट कैन एक्सेस मैनी काइंड ऑफ डाटा सच एज डाटा डिस्प्लेड इन द इंटरनेट ब्राउजर, ईमेल, टेक्स्ट एंड इवन ग्राफिक्स अदर दैन यूजुअल रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस इंफॉर्मेशन। तो अगेन ये वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन एक्सेस भी कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग एक्सेस कर सकें ADO के ज़रिए डेटाबेस को, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है कि क्रिएट कर देना है ADO कनेक्शन टू द डेटाबेस के साथ ADO कनेक्शन क्रिएट करना है।
फिर जब कनेक्शन क्रिएट करना कर दिया है तो क्रिएट करने के बाद उस कनेक्शन को ज़ाहिर है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एडीओ रिकॉर्ड सेट को क्रिएट कर लेना है। रिकॉर्ड सेट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो रिकॉर्ड सेट को आपने ओपन कर लेना है। लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 14 में गलबन हम लोग रिकॉर्ड सेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिकॉर्ड सेट बेसिकली होता क्या है, ये भी आप लोगों को हेल्प करता है ताकि आप लोग डाटा बेस के अंदर से डाटा को एक्सेस कर सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाटा बेस के अंदर जो एक टेबल है वो उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ जाती है, इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेट के अंदर आ जाती है। अच्छा, ओपन भी कर लिया रिकॉर्ड सेट को। इसके बाद स्टेप नंबर 5 होता है कि जाहिर है जो आपने भी एक्सट्रैक्ट करना है डाटा अपना रिकॉर्ड सेट के अंदर से, वो जो भी आपको नीडेड डाटा है वो आप एक्सेस कर लें और उसके बाद उस रिकॉर्ड सेट को क्लोज़ कर दें और इसी तरह से फिर कनेक्शन को भी क्लोज़ कर दें जो कि आपने डाटा बेस के साथ बनाया होगा।